प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है लोगों की उम्मीदें पूरी कर रही है। यात्रा आरंभ हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार के प्रमुख योजनाओं के अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के विविध समूहों के साथ वर्चुअली संवाद में मोदी ने कहा कि यात्रा शुरू होने के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.30 लाख नए लोगों ने आवेदन किए हैं और 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार इसके जरिए देशव्यापी स्वास्थ्य जांच की जा रही है और लगभग 1.25 करोड़ लोग इसका लाभ ले चुके हैं। मोदी ने कहा कि 70 लाख लोगों की टीबी से जुड़ी जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 15 लाख लोगों की स्किल सेल एनीमिया के लिए जांच हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यात्रा के अद्भुत परिणाम सामने आ रहे हैं। आज देश के लाखों लाभार्थी सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बन रहे हैं। सहारिका को मजबूती, मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सहकारी समितियों को ग्रामीण जीवन का एक मजबूत हिस्सा बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर दूध तथा चीनी उत्पादन जैसे क्षेत्रों में पहचान बनाने के बाद अब कृषि और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के करोड़ों लाभार्थियों के जीवन में जीवन आया है, बदलाव आया है और साहस आया है। संतुष्टि और सपनों की यही कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहा कि वे देश में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के देवास की रूबीना खान ने अपनी उद्यमशीलता की यात्रा को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। वे खुद ही एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। रूबीना ने एक मजदूर से एक सफल व्यवसायी के रूप अपने सफर के बारे में बताया और बताया कि कोविड काल में मास्क और सैनिटाइजर बनाकर उन्होंने और उनकी टीम के सदस्यों ने महामारी से बचाव के राहत प्रयासों में योगदान दिया। प्रधानमंत्री उनके आत्मविश्वास की सराहना की और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में SHG की भूमिका पर जोर देते हुए SHG से 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो साझा किया जिसमें क्रिसमस के मौके पर उनके आधिकारिक आवास का भ्रमण करने वाली स्कूली छात्राएं खुश दिख रही हैं। मोदी ने कहा कि ऐसा लगता है कि उनके कार्यालय ने अंतिम परीक्षा पास कर ली क्योंकि स्कूली बच्चों ने उसे भरपूर समर्थन दिया है।